हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये देखिए फ्रेंड, आज हम ये स्वेटर की डिज़ाइन लाए हैं आप लोगों के लिए। कितना ही प्यारा डिज़ाइन है ये देखिए। ये इसकी आगे की साइज़ है और ये देखिए ये पीछे का है बैक साइड। तो चलिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन को हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड, फिर बताते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 31 फंदे लिए हैं। आप अपने हिसाब से फंदा लीजिएगा जितना आपका डिज़ाइन हो। तो चलिए फटाफट इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला फंदा हमने इस तरह ऐसे उठाया और दूसरा फंदा को हमें यहाँ पे ये उल्टा बनाना है। ये देखिए, अब धागा पीछे। अब हमें यहाँ पे तीन फंदा लेना है, 1 2 3। ये तीनों को रॉन्ग साइड से 3 का 1 बना के इस तरह, ये देखिए। और हम इसे इस तरह धागा लाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। और अब हमें फिर से यहाँ पे ये देखिए 3 का 1 मैंने बनाया। फिर हमें यहाँ पे 3 लेना है और फिर से हम यहाँ पे 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। फिर से ये देखिए, 1 2, ये मैंने 3 फंदा लिया, 3 का 1 बनाया। और यहाँ से हमें इसे छोड़ना नहीं है, धागा आगे किया और फिर देखिए ये देखिए, और फिर हमें 1 फंदा यहाँ पे उल्टा बनाना है, 1 2 3। सेम रहा, बार बार हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, फिर 1 फंदा हम यहाँ पे उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर 1 2 3 फंदा हमने पीछे से लिया और फिर हमने 3 का 1 बनाया, धागा आगे। और फिर हमें इसी में से 3 फंदा हमने बना लिया, फिर धागा आगे, फिर ये देखिए, फिर हमने धागा पीछे किया, धागा आगे, ये हमने 3 फंदा बनाया, फिर से हमें धागा आ गया। सेम इसी तरह हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होगा। 3 फंदों का हमने 1 बनाया, फिर उसमें से 2 फंदा बनाना है, धागा इस तरह, ये देखिए। ये देखिए, फिर से हमें सेम रो बार बार रिपीट करना है। अब हमें धागा आगे करना है, यहाँ पे 1 फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। अब ये जो हमारा पीछे का जो साइड है, अब हम इसे सीधा बनाएंगे, लास्ट वाला जो है। ये देखिए, हमारा डिज़ाइन का फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब हम पीछे की साइड से ये देखिए बैक साइड आ गए। बैक साइड में हम पहला फंदा इसी तरह उठाना है और ये देखिए, ये हमें पूरा जो हमने 3 का 1 बनाया था या उल्टा बिना था, पूरा पीछे से उल्टा ही बुनना है। ये देखिए, हमें पीछे से पूरा उल्टा ही बना के, चलो तैयार कर लेते हैं फिर बताते हैं आगे के डिज़ाइन। ये देखिए फिर हमने यहाँ पर पीछे से उल्टा साइड पूरा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब हमारे आगे की तरफ डिज़ाइन का दूसरा लाइन। तो यहाँ पे देखिए, हमने जैसे पहला फंदा हमने उठाया था, इस लाइन में भी हम ऐसे ही उठाएंगे। और ये हमारा 1 2 फंदा जो है, हम इसे सीधा बुनेंगे, ये हमने इस तरह, ये देखिए। और अब हमने जो यहाँ पे बीच में 1 फंदा
उल्टा बनाएंगे। और अब हमारा जो डिज़ाइन है, तो ये जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन का रो जो लिया, तो हमें इस वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे और यहाँ से तीन फंदा गिनेंगे, 1 2 3। ये जो हमारा तीन फंदा है पीछे करेंगे, और इन तीनों ही फंदों में हम यहाँ पे एक करेंगे और पीछे करके इन तीनों का हम यहाँ पे ये देखिए डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हमें तीन का एक किया, फंदा आ गया। अब हमें यहाँ पे उल्टा बनाना है, ये देखिए। फिर से हम धागा पीछे, और ये देखिए यहाँ पे, यहाँ जो मैंने बताया 1 2 3, इसी पे हमारा डिज़ाइन बनेगा, 2 3। ये देखिए इसमें ही तीन का एक बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बनाया धागा, फिर से हम आगे, और यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जो इसका बीच का जो है हम उसे उल्टा बनाएंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, और यहाँ 1 2 3, ये जो डिज़ाइन जो मैंने बनाया था यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने तीन तीन फंदों का डिज़ाइन बनाया था, तो ये बीच वाला छोड़ देंगे, ये साइड वाला, इस साइड वाला लेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह करके धागा आ गया। तो इस तरह हमें डिज़ाइन का दूसरा लाइन कंप्लीट होगा। देखिए फिर से हम धागा आगे करेंगे, और फिर से वही प्रोसेस करेंगे बार बार। ये जो हमने ये तीन, ये देखिए ये तीन, ये जो है ये साइड का है, ये बीच का, और ये डिज़ाइन का फर्स्ट वाला लेंगे। इधर से तीन मिला के तीन का एक करके हम यहाँ पे फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। ये सेम इसी तरह हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो चलिए हम इसी तरह बना के पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की डिज़ाइन बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने डिज़ाइन का ये दूसरा लाइन पूरा बना के इस तरह कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे बैक साइड आएंगे। तो ये देखिए, हम जैसे फर्स्ट रो में बैक साइड यानी पीछे का जो मैंने उल्टा ही बनाया, वैसा ही मैंने मतलब पूरा डिज़ाइन में ही पीछे का सीधा उल्टा ही बनेगा, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो चलिए इसको पूरा बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे की डिज़ाइन। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये पीछे का पूरा उल्टा ही बना के कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब हम आएंगे डिज़ाइन का तीसरा लाइन। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था पहला डिज़ाइन, तो दूसरा हमारा यहाँ पे बना। अब फिर से हम थर्ड रो में यहीं पे बनाएंगे, जस्ट इसके ऊपर। तो ये देखिए हमारा ये जो है, ये 1 और ये 2 3। तो हम पहला फंदा इस तरह ही उठाएंगे, और ये देखिए इसे हम उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे करें। ये देखिए जस्ट ये वाले के ऊपर यहाँ जो है हमारा डिज़ाइन आएगा, ये 1 2 3, जहाँ पे हमने ये पहला डिज़ाइन का बनाया था। तो ठीक, हमारा थर्ड रो भी वहीं पे आएगा। तो ठीक, हम तीन का एक करके बना लेते हैं। ये देखिए, हम धागा फिर से आगे करेंगे। ये देखिए फिर से हमने डिज़ाइन का फर्स्ट रो में जो यहाँ बनाया था, तो इसके जस्ट ऊपर बस तीन फंदे लेंगे, और बीच का जो है हमने उल्टा बिनना है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, कितना आसान डिज़ाइन है। ये देखिए फिर हम बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। और फिर से हमें ये जो बीच का जो है, इसे हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो इसी तरह हम बना के पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे, जस्ट इसके ऊपर आएगा। और फिर फोर्थ रो में जब हम चार लाइन बनाएंगे, तो जस्ट इसके इसके ऊपर बनेगा। इसी तरह हमारा डिज़ाइन बन के तैयार होगा।
देखिए फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड।